नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्ताकता कृष् पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यस्थो भद्राणी विधुनोती सुत्ताद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी ओम अज्ञाति मीराध्य चक्षु उन्मील तस्मै नस्मे श्रीगुरव नम मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिकौरभक्तवृन्दम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है हम सभी यहाँ पर स्कंद तीन अध्याय छब्बीस को आज आरंभ करने जा रहे हैं इन सत्रों के क्रम में ये आज का सत्र एक सौ इक्यासी और जहां पर हम अंतरराष्ट्रीय आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के द्वारा श्रीमद भागवतम के इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 26 जिसका नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत इसमें बहत्तर श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद तीन से श्रवण पठन मनन अध्ययन किए गए श्लोकों की कुल संख्या सौ पैंतीस हो जाएगी तो पहले स्कंद एक और इसकंद दो से श्लोकों की संख्या बारह सौ एक है बारह सौ एक श्लोक वहां तक हमने श्रवण किए थे और अब यहां पर इस अध्याय के पश्चात ग्यारह सौ पैंतीस श्लोक उसमें जुड़ जाएंगे बहुत ही संक्षिप्त विषय सूची जिससे हमें श्लोकों का वर्गीकरण समझ में आ जाए अध्याय 26 जिसका नाम प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत है श्लोक संख्या एक और दो में सांख्य सुनने के लाभ क्या है उसको व्यक्त किया गया है श्लोक संख्या तीन से लेकर आठ तक जीव प्रकृति पुरुष इनके संबंध इनके विस्तार रूप में कपिल भगवान प्रकट करते हैं श्लोक संख्या 9 से 32 तक यदि हमें स्मरण हो पिछले अध्याय में श्लोक संख्या 28, अठाइस तीस में माता देवती के प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए यहाँ पर कपिल भगवान विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 33 से लेकर उनचास तक तत्व की विशेषता एलिमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है क्या क्वालिटी है वो यहाँ पर हमें पता चलेगी श्लोक संख्या 50 से लेकर तिरपन तक कार्य सृष्टि के बारे में विस्तार से बताया गया है चौवन से लेकर इकसठ तक विराट रूप के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति और सृजन के बारे में बताया गया है और बासठ से लेकर बहत्तर तक देवताओं द्वारा विराट रूप को जागृत करने का प्रयास तो ये एक लंबी सूची है श्लोकों के वर्गीकरण की जैसे जैसे हम श्लोकों के वर्ग विशेष पर पहुंचेंगे हम इसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे अभी के लिए आरंभ करते हैं श्लोक संख्या एक और दो सांख्य सुनने के लाभ तथा श्लोक संख्या तीन से लेकर आठ तक जीव प्रकृति और पुरुष का क्या संबंध है मेरा अनुरोध रहेगा जिनके पास पुस्तकें हैं वो निश्चित रूप से इन संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए जब हम वाचन करें तो वो पुस्तकों का प्रयोग करें ये निश्चित रूप से लाभकारी है इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ये लाभकारी होता ही होता है तो यहाँ पर हम एक एक श्लोक को पढ़ेंगे उसके अनुवाद को पढ़ेंगे और तत्पश्चात शिला प्रोपात के सुंदर तात्पर्य के द्वारा उन विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आरंभ करते हैं अध्याय छब्बीस स्कंद तीन अध्याय छब्बीस श्लोक संख्या एक से श्री भगवान प्राकृतिक भगवान कपिल ने आगे कहा हे माता अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है तो पिछले अध्याय में जब कपिल भगवान ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए माता को सांखे के बारे में दर्शन प्रस्तुत किया, उसकी विशेषता, प्रमुखता, उसके उसके प्रभाव, उसके महत्व के बारे में चर्चा की सांख्य सुनने से जीवन में साधु सज्जन सत्संग इन शब्दों का अर्थ समझ में आता है इनकी हम परिचयात्मक परिभाषा से परिचित हो पाते हैं तो उसी क्रम में यहाँ श्लोक संख्या एक में देवभूति को माता देवभूति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब मैं परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा तो विभिन्न कोटियां क्या हैं? जिनको जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मुक्त हो जाता है ये कलियुग ही नहीं अपितु सतयुग त्रेता द्वापर मृत्य लोक के सम भौतिक जगत के समस्त लोक एक बार भौतिक जगत के आरंभ होते हैं, इसके गुणों से प्रभावित होते ही होते हैं मनुष्य से लेकर देवता से लेकर ब्रह्मा जी तक और नीचे के जलचर थलचर नवचर सब इससे प्रभावित होते हैं तो कपिल भगवान कहते हैं कि मैं उस सत्य की विभिन्न कोटियों का श्रेणियों का वर्णन करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से जिसको प्राप्त कर लेने के सुन लेने के पश्चात आप गुणों के प्रभाव से सत रज और तम से ऊपर उठ जाते हैं और कहा पहुंच जाते हैं शुद्ध स्तर पर पहुंच जाते हैं तो विश्लेषण द्वारा विश्लेषणात्मक जिसे हिंदी में एनालिटिकल स्टडी कहते हैं सांख्य दर्शन एनालिटिकल स्टडी विश्लेषणात्मक पद्धति से पुरुषोत्तम भगवान को समझना है जो कपिल भगवान कपिल अपने सांख्य दर्शन में समझा रहे हैं तत्पश्चात श्लोक संख्या दो में ज्ञानम निश्रेय सार्था न निश्रेय सार्था पुरुष सात्मदर्शनम यदा वर्ण तक सकते हृदय ग्रंथि भेदनम आत्मसाक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तो कपिल भगवान यहाँ पर माता देवती को कह रहे हैं कि माता मैं आपको उस ज्ञान आपके माध्यम से उस ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे पहले श्लोक में क्या हुआ भौतिक तीनों प्रकार के भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए और दूसरे में क्या बता रहे हैं भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां ही कट जाती हैं क्यों इस कैसे होगा यदि हमें स्मरण हो श्रीमद भगवत गीता में भगवान स्थान स्थान पर इसका वर्णन कर रहे हैं क्या है भौतिक जगत की आसक्ति की ग्रंथियां कटने का अभिप्राय क्या है अभिप्राय है कि मैं वास्तव में मेरा जो वास्तविक संबंध है जो शाश्वत है उससे अपने आप को कैसे संबद्ध करूं शिल तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी से हुई वार्ता को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति क्या होती है नित्य दास प्रत्येक जीव शाश्वत दास है जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा अंश रूप है और शाश्वत स्थिति में रह के परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है तो वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस स्थिति को समझने के पश्चात भौतिक आसक्तियों की ग्रंथि कट जाती है जितनी आसानी से ये कह दिया गया उतनी आसानी से ये छूटता नहीं है इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होता है आगे लिखते हैं शिल प्रभुपाद जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है सबसे पहले वास्तविक ज्ञान है क्या है वो पता होना चाहिए फिर किससे प्राप्त करना है वो ज्ञान ये पता होना चाहिए फिर वास्तविक ज्ञान क्या है और किससे प्राप्त करना है ये पता होने के पश्चात भी उसका अनुशीलन करना होता है परिपालन करना होता है यथावत तरीके से क्या करने के लिए स्वयं को अहंकार से रहित करने के लिए और जब मनुष्य अपने आप को इस स्थिति में देखता है तो जीवन की मनुष्य जीवन की अंतिम जो उपलब्धि है वो अपने आप को इस अहन भाव से रहित देखने की है तो 24 प्रकार की जो प्रकृति के बंधन बताए गए हैं शिल लिखते हैं आत्मा को उससे विलग होना पड़ता है क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्म दर्शन है तो सांख्य के ये प्रथम दो श्लोक जैसा हमने कहा था सांख्य ज्ञान की महिमा क्या है उसको यहाँ पे उद्धृत किया गया है तत्पश्चात श्लोक संख्या तीन से लेकर आठ तक लिखा था जीव प्रकृति पुरुष का संबंध क्या है ये आपस में किस प्रकार एक दूसरे को प्रकाशित और प्रभावित करते हैं तो देखते हैं श्लोक संख्या तीन से अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यधाम स्वयं ज्योति विश्वम येना समन्वितम पुं पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व से के परे हैं वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है तो इस श्लोक में जीव प्रकृति और पुरुष में पुरुष के बारे में स्पष्ट कहा गया है क्या कहा गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पुरुष पुरुष अर्थात व्यक्ति हम सब कहते हैं पुरुष का अर्थ लिंग से पुरुष और स्त्री जिस संदर्भ में हम कहते हैं वो नहीं पुरुष का अर्थ हुआ व्यक्ति शाश्वत शारीरधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहे गए हैं हम जितना सोच सकते हैं जीओं से हमें लगता है हर किसी की एक आरंभिक अवस्था होती है प्रारंभ होता है जन्म होता है परमात्मा के लिए कहा जा रहा है उनका कोई आदि नहीं है प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे हैं इसके बावजूद हर जो भौतिक जगत में होने वाली हर घटना के कर्ता कारक कारण स्वरूप में स्वयं भगवान ही होते हैं तो ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम इन चर्म इंद्रियों से चर्म चक्षु से कर्ण से हाथ पैर से नहीं समझ सकते क्योंकि शरीर लेने के साथ ही इस भौतिक जगत में हम चार प्रकार के विकारों से ग्रसित होते हैं हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति होती है हम मिस्टेक्स करते हैं गलतियां करते हैं इस प्रकार चार जो कारण बताए गए हैं भूलने की प्रवृत्ति होती है ठगने की प्रवृत्ति होती है गलतियां करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है हम अहंकार से बने होते हैं मैं कुछ हूं मैं कुछ हूँ इनके परे भगवान है तो इसलिए हम अपने जहां जब जब किसी वस्तु को नापने की जो इकाई है जो मीटर है या जो भी टेप है उसकी जितनी लंबाई है वो उतना ही नापेगा एक उसके आगे आप उसको उससे नहीं नपवा सकते हैं इसी तरीके से बहुत सारे हैं प्रकृति में जो कुछ भी है भौतिक जगत में सब सीमित है असीमित शब्द लगते ही वो भौतिक जगत का नहीं होता फिर वो आध्यात्मिक जगत का हो जाता है तो आध्यात्मिक जगत में जहाँ असीमित शब्द उद्भव होता है वहां भगवान है और इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकाश की अतिरिक्त आवश्यकता है है गीता में सूर्य चंद्र तारा ये नक्षत्र मंडल सब कुछ भगवान के द्वारा दिए गए प्रकाश से प्रकाशित हो रहे अग्नि के रूप में भगवान है पेट में उपस्थित जठराग्नि जिससे सभी पाचक रस हमें प्राप्त होते हैं शरीर क्रियान्वित होता है इसे लेकर हृदय में स्पंदन की अग्नि से लेकर, लेकर शारीरिक जगत की संसारिक जगत की अग्नि से लेकर ब्रह्मांडी अग्नि तक भगवत गीता में कहा गया है सबके स्रोत के रूप में भगवान स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और उसी प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन हो रहा है तो पुरुष कौन है यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है आत्मा की स्थिति क्या है वो हमें भगवद गीता के संदर्भ से बताया गया शिला प्रभुपात ने यहाँ एक सुंदर तात्पर्य लिखा है जिसमें पिछले श्रवण किए गए तात्पर्यों के सार का भी संकलन है क्योंकि जैसा में हम हमेशा कहते हैं शिला प्रभुपात इतने दयावान तरीके से करुणामय तरीके से साधु सज्जन हमेशा करुणावान होते हैं लिखते थे कि उन्हें लगता था एक श्लोक तब कौन सा श्लोक जीव खोल के पड़ेगा तो कहीं कुछ छूट ना जाए तो यह सुंदर श्लोक है क्या सुंदर तात्पर्य लिखा है ने तत्पश्चात हम देखते हैं श्लोक संख्या चार को स प्रकृतिं प्रकृतिम सूक्ष्म देवीम गुणाम विभू य अभ्यपद्यत लील उस महान से महान्तम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है एक एक शब्द बहुत महत्व का है यहाँ पर महान से महान्तम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया है जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है गुण का हुआ प्रकृति के तीन गुणों से युक्त श्री प्रभुपाध एक शब्द को यहाँ पर तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करते हैं दैविम का अर्थ होता है भगवान की शक्ति तो भगवान की शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से युक्त शक्ति इनको जब हम जोड़ते हैं तो तीनों गुण की शक्तियों के रूप में जो प्रकट होती है जो आवरण का कार्य करती है उसके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया तो पुरुष के बारे में जीव प्रकृति और पुरुष में पुरुष के बारे में बताया जा रहा है और अब प्रकृति से उसे संबद्ध किया जा रहा है श्लोक संख्या तीन में हमने पुरुष को समझा अब प्रकृति पुरुष से किस प्रकार संबंधित है इसे यहां पर बताया जा रहा है भगवान से जो शक्ति उद्भूत होती है वो दो रूपों में प्रकट होती है और भगवत गीता का उदाहरण देते हुए शिल प्रोपात लिखते हैं सारा जगत प्रकृति के तीन गुणों से मोहित हो रहा है सामान्य जीव भी ऐसी शक्ति से ही आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख पाता है जैसे सूर्य सदैव है और जब बादलों से ढक जाए तो बद्ध जीवों के लिए ये एक पर्दा हो गया आवरण हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया है सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से ढक गया है उसी प्रकार परमेश्वर माया के आवरण से ढका हुआ है पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है भगवान नहीं है तो भगवान किन दो शक्तियों के रूप में प्रकट हो रहे हैं वो दो शक्तियां यहाँ पर कही गई है एक तो परमेश्वर से उद्भव के रूप में और दूसरी उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में अर्थात एक भगवान की ब्रह्म ज्योति हो गई है और दूसरा भगवान का परमेश्वर परमात्मा स्वरूप हुआ है तो भगवान से परमात्मा और ब्रह्म ज्योति ये दोनों भगवान को परिभाषित करने के एक भाग में सत्य हैं, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है पूर्ण सत्य तो भगवान का सच्चिदानंद दिव्य शरीर है उसके पश्चात श्लोक संख्या पांच में गुणे विचित्र सृजती प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुहे सद्य सईह ज्ञान गुहया अपने तीन गुणों से अनेक प्रकार में विभक्ति भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञानाक्षादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे फिर उनकी शक्ति प्रकृति के एक शक्ति का एक रूप प्रकृति के रूप में उद्भाषित हो रहा है फिर इस प्रकृति से क्या हो रहा है प्रकृति से जो तीन गुण है जो इसके अभिन्न अंग हैं, प्रकृति के तीन गुण उनसे अने, वो अनेक प्रकार में विभक्त हो रही है और भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न कर रही है तो वो विभिन्न पृथक हुई शक्तियां भौतिक जीवों को उत्पन्न कर रही हैं और कैसे उत्पन्न कर रही हैं माया के ज्ञानाक्षादक गुण से मोहग्रस्त सुखदेव गोस्वामी स्क में यदि हमें स्मरण हो तो कहते थे मुझे घर से बाहर आना ही नहीं है माता के गर्भ से मुझे बाहर ही नहीं आना है क्यों नहीं आना है क्योंकि बाहर आपकी माया काम करे यहाँ गर्भ के भीतर बैठ के मुझे परमात्मा के साक्षात स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं बाहर आते ही माया देवी मेरी बुद्धि को हर लेंगी और इसलिए वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम का बड़ा ही ऐतिहासिक वर्णन है ये पुराणों से कहीं से भी मीमांसाओं से इसको अगर हम प्रस्तुत करना चाहें क्या है कि जिस भगवान प्रकट होते हैं व्यास मुनि के कहने पर और भगवान के संवाद करते हैं गर्भ में स्थित सुखदेव गोस्वामी से और कहते हैं जिस क्षण तुम निकल रहे सिर्फ उतने क्षण के अंश में मैं माया का पर्दा हटा दूंगा जिससे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल इंटैक्ट अभेद्य अचिंत्य अप्रभावित रहे तो ये तो भगवान की माया का प्रभाव है जिसे जीव आ, समझ समझ के भी नहीं समझ पाते हैं इसलिए क्या करना है छलनी जैसे हमारे मन को जिसमें पानी कभी नहीं भरा जा सकता हमेशा पानी में डुबो के रखना है छलनी को वैसे इस मन को जिसमें अनेकों प्रकार के दुराभाव दोष दुर्गुण आ सकते हैं सतत भगवान की कथा के श्रवण में नाम के कीर्तन में अर्चा विग्रह के सेवन में लगा कर रखना है तो इस श्लोक में क्या कहा गया तीन गुणों से अनेक प्रकार में विभक्त हो रही है भगवान की शक्ति वहां से वो विभिन्न जीवों को उत्पन्न कर रही है और उत्पन्न हुए जीव माया से आच्छादित होकर मोहग्रस्त है ये प्रकृति का स्वभाव है तत्पश्चात श्लोक संख्या छह में देखते हैं कर्तृत्व प्रकृति आत्मनि मनते अपनी विस्मृति के कारण जी, दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है पुरुष प्रकृति पुरुष से प्रकृति कैसे संबद्ध है अब प्रकृति से जीव की उत्पत्ति हुई पिछले श्लोक में अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो जीव है ये इस माया के आवरण के कारण विस्मृति युक्त होकर अपनी दिव्य प्रकृति दिव्य अपने स्वभाव को न समझकर क्या करता है प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और त्रुटिवश अपने कर्मों को कर्ता मानता है दो बातें हो रही हैं पर प्रकृति के प्रभाव से जो उसके सामने स्टेज प्रस्तुत किया गया है पर उसी को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी जागता है तो सामान्य पुरुष सो रहे होते हैं जब सामान्य पुरुष सो रहे होते हैं तो ज्ञानी जागता है वो विपृतार्थक बात इसलिए है उसके कहने का आशय वहां पर यह है उस श्लोक का कि सामान्य जनों को ये जगत ही अपना कर्म क्षेत्र लगता है और क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं तो उन्हें लगता है वही करता है जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये कर्म क्षेत्र भी नश्वर है और हमारा कर्ता का भाव भी दूषित है करने के, करने के के लिए हमें निमित्त बनाया गया यदि हम किसी कार्य को ना करें और भगवान इच्छा रखते हैं तो भगवान निश्चित रूप से किसी और कुछ उनके वो कार्य करवा लेंगे लेकिन यदि हम चाहें कि हम ये ही कार्य करेंगे तो ये हमारे वश में नहीं है हमारे वश में कर्ता का भाव ना आए इसके लिए सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक उदाहरण है कि यदि हम चाहें तो भी अपनी आंख की पलकों को झपके बिना नहीं रोक सकते ये तो हमारी नियंत्रण शक्ति है कि हम अपनी आंख को अविचल बिना झपके नहीं रोक सकते ऐसा नहीं है निश्चित रूप से झपके की कुछ समय के पश्चात तो जो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का नियंत्रण उसे नियंत्रक न मान के स्वयं कर्ता मान लेते हैं ये हम मोहग्रस्त होके करते हैं तो पुरुष किन बातों से हो रहा है प्रभावित जीव दो बातों से माया के आक्षादन से जो स्थान दिया गया है वही उसके लिए उसको अपना कर्म क्षेत्र लगने लगता है सभी साधनों का प्रयोग वो उसमें ही करने लग जाता है और दूसरा जो प्रस्तुत किया गया है वश अपने को कर्मों का कर्ता मान लेता है तो ना हम करता है ना हम कारक है ना हम कारण है शिला प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने से अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य इसी त्रुटिपूर्ण भाव से मुक्त हो जाता है इसी आ, कर्म क्षेत्र की अनुभूति से स्वयं को विलग कर पाता है तत्पश्चात श्लोक संख्या सात में तस्त पारतंत्र चम भवत साक्षिणो निवृतात्मना भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है तो अब यहाँ पर हमारे महत्व की बात है बहुत हमारे लिए आवश्यक समझने की बात है हमने पुरुष को समझा सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है हमने प्रकृति को समझा जो भगवान की एक शक्ति है अब हम बात कर रहे हैं जीव की जो भगवान की शक्तियों के विभिन्न भागों में अब व्यक्त विभक्त होने के पश्चात तीन गुणों से प्रत्येक जीव को इस प्रकृति अपने वातावरण में में आबद्ध आबद्ध रखती है 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 अब जब जीव एक बार हो गया है, तो वर्णन आता है, श्लोक संख्या में आया कि इसलिए जो स्थान उपलब्ध कराया गया वही हमें अपना कर्म क्षेत्र लगने लगता है और क्योंकि त्रुटिपूर्ण तरीके से हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं अब इसका परिणाम क्या होता है यहाँ श्लोक संख्या सात में बताया गया है भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना नहीं भौतिक चेतना ही मनुष्य के बंधन का कारण बन जाती है क्यों क्योंकि जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तो परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं जिस व्यक्ति ने किसी कंपनी की किसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली है उसके लिए उस कंपनी का उसमें जो साधारण रूप से काम कर रहे हैं कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई रिस्क डिपार्टमेंट में कोई ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में कोई स्ट्रेटेजी में कोई सेलिंग में कोई डेटा मैनेजमेंट में अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी प्रमुख रूप से केवल उसी विभाग के दायित्वों का वहन करते हैं पर जिसने वो कंपनी स्थापित की है वो वो इंडस्ट्री जिसने सेटअप किया है वह व्यक्ति के लिए उस कारखाने उस स्थान उस व्यक्ति उस विभाग की एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है अब क्या हुआ हम जीव हैं और हमने क्या समझ लिया कि ये जो भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम नियंत्रण करेंगे क्योंकि हम करता है तो परिणाम क्या होता है परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती अब ये जीव की स्थिति है पर जीव के शरीर की स्थिति है शरीर के भीतर जो आत्मा स्थिति है परमात्मा के रूप में परमात्मा से संबद्ध शाश्वत तत्व के रूप में जो आत्मा है वो क्या है वो इसमें कुछ नहीं कर रहा है इस प्रकार बंधन में बनने के लिए लेकिन क्योंकि कर्मों से परे होने के बावजूद वो इस शरीर में स्थित है तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव और संस्कार जो वो अगले यात्रा में अगले जन्म में धारण करने के लिए ले जा रहा है वो संचित हो जाता है जैसे हमने हमेशा उदाहरण दिया आत्मा कैसे संचित करती है इन कर्मों के फल और परिणामों को जैसे किसी बर्तन में हींग रख के और निकाल दिया जाए तो उसकी सुगंधि बची रह जाती है जैसे वातावरण में सुगंधी फैल जाती है वैसे ही आत्मा शरीर द्वारा किए गए कार्यों की सुगंधी सार तत्वों को ग्रहण कर लेती इसी है इसीलिए जब लोग कहते हैं कि आत्मा तो निष्कलंक है निष्पाप है न काटी जा सकती है न सुखाई जा सकती है फिर कर्मों का परिणाम तो जिस शरीर ने किया उसको मिल गया वो जल के राख हो गया क्षेत्र जल पावक गगन शिविर में चला गया यह अपूर्ण सत्य है यह जगत नश्वर है यह जगत दुखालय है पर यहाँ किए गए कर्मों का परिणाम शाश्वत है शाश्वत कहने का अर्थ अगर पाप और पुण्य के अनुसार करेंगे तो वही आगर भोगेंगे यदि आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे तो वही आकर भोगेंगे तो इस श्लोक में हम दो बातें सीख रहे हैं चे, भौतिक भो, चेतना जीव के बंधन का कारण है क्योंकि इसमें जीव स्वयं को करता समझ लेता है तो हर स्थिति परिस्थिति उसके ऊपर हावी रहेगी आत्मा कुछ ना करते हुए भी शरीर में उपस्थित है इस वर्ण इस वजह से वो बद्ध जीवन से प्रभावित हो जाती है जैसे गाड़ी को फोर व्हीलर टू व्हीलर सिक्स एट व्हीलर को हम शरीर माने और आत्मा को चालक माने उस गाड़ी का तो चलाने वाला आत्मा है पर यदि चलती हुई गाड़ी में शरीर को नुकसान गाड़ी को नुकसान हो रहा है तो इसके भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो चालक है उसको भी नुकसान पहुंचेगा कम या ज्यादा वो गाड़ी को नुकसान पहुंचने के सापेक्षिक रहेगी लेकिन नुकसान पहुंचेगा ये सत्य है तो यही अंतर है आत्मा और शरीर का आत्मा आत्मा भागीदार नहीं होती है लेकिन प्रभाव से पूर्णतया मुक्त भी नहीं होती है तो क्या है श्लोक संख्या आठ में कहा गया है कार्य कारण करोक्तृत्व सुख दुखा नाम मनुष्यम प्रकृति परम बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों की अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं तो अब शरीर के स्तर पर आत्मा की स्थिति को स्वीकार किया गया पिछले श्लोक में कहा गया कि आत्मा उस प्रभाव को सुगंधि के रूप में धारण करती ही है तो कहा गया कि <coughs> बद्ध जीव का शरीर इंद्रिया इंद्रियों के अधिष्ठाता देव यहाँ तक भौतिक प्रकृति ही है यदि हम विराट रूप का स्मरण करें देवताओं की उपस्थिति इसी भौतिक जगत के उच्चतर लोक में है भूलोक से दो लोक ऊपर स्वर्ग लोक है और जब प्रलय की अग्नि ताप देती है मर्त लोक से तो जो ऊपर के लोगों के जीव हैं वो और ऊपर के लोगों के जीवों के पास गमन कर जाते हैं कतिपय समय के समय के लिए क्योंकि वो लपट वो ताप बहुत त्रास देने वाला होता है तो चाहे वो बद्ध जीव का शरीर हो चाहे उसकी इंद्रिया हो चाहे इंद्रियों के स्वामी स्वयं देवता हो ये सब भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं यहां पर उनकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं और स्वभाव से दिव्य है हम सभी सबके अंदर परमात्मा के अंश रूप में आत्मा है पर आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं क्योंकि आत्मा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं अलग अलग स्थानों पर इसलिए शिल प्रभुपत यहां उसको सीधे स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं अब श्लोक संख्या नौ से लेकर छत्तीस तक जैसा कि माता देवहूति के प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं हम देख सकते हैं देवहूति के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कपिल भगवान क्या कहा है श्लोक संख्या नौ में देवहूति प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम कारणयोरस्य कारण सदस्य सद देवहूति ने कहा हे hey भगवान आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। क्षमा कीजिए आप लोगों को श्लोक नहीं दिखा देवभूती ने कहा हे भगवान आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं प्रकट रूप की सृष्टि अप्रकट रूप की सृष्टि चाहे भगवान कहें चाहे भौतिक शक्तियां भगवान की शक्तियों के बारे में कहें वास्तव में कारण तो यही दोनों है भगवान और भगवान की शक्तियां तो इसलिए माता देवूती प्रार्थना करती है कि हे भगवान अपने पुत्र को कहती है हे भगवान आप भगवान और भगवान की शक्तियों के कार, के लक्षण बताएं, चिन्ह बताएं क्या है क्योंकि ये दोनों इस बहुत प्रकट तथा अप्रकट जगत के कारण हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि से ही प्रलय संघार सृजन सभी कुछ संचालित हो रहा है और प्रकृति कुछ जो नियम की अवहेलना करने वाले जीव हैं उनको दंड देने के लिए इस भौतिक जगत में बांध करके रखती है सरलतम भाषा में तो यही अंतर है लोग होते हैं उन्हें जेलखाने में डाल दिया जाता है वैसे ही भगवान का आध्यात्मिक जगत निष्पाप निष्कलंक बना रहे जिसने तनिक भी भूल की है उसे भौतिक जगत में डाल दिया गया यहाँ रहकर अपने आप को शुद्ध करने के पश्चात ही हम आगे की आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोच सकते हैं तो आज के लिए अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या दस श्री भगवान नित्यम सदा सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम विशेषव भगवान ने कहा तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण बनता है और प्रधान कहलाता है जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं तो भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं श्री प्रोपात तात्पर्य में लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि तीनों गुणों का, अप्रकट शाश्वत संयोग प्रकट अवस्था का कारण बनता है और प्रधान कहलाता है जब सतरज और तम इन तीन गुणों के द्वारा भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो ये प्राकट्य प्रकृति हो गए और जब ये प्राकट्य प्रकृति प्रधान की वास्तविकता से अर्थात भगवान की वास्तविकता से युक्त रहती है तो उसे हम क्या कह देते हैं वो हमारे लिए जैसा इस श्लोक में वर्णित किया गया है वो हमारे लिए प्रकृति की वास्तविक परिभाषा है तीनों गुणों का प्रकृत शाश्वत संयोग प्र, जो अवस्था का कारण है वो अपनी जगह निश्चित रूप से सत्य है पर उसके साथ प्रधान कारण जो कहलाता है वो प्रकट अवस्था में तब होता है जब इसे हम प्रकृति कहते हैं तो ये हमारे दिव्य ग्रंथ की महानता है कि किसी भी विषय को छुपाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है सरलतम सत्य और मधु भाषित शब्दों में भागवतम के तात्पर्य लिखे गए हैं श्लोक और व्याख्याएं लिखी गई हैं तो आज के लिए सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे किसी भी प्रकार की अपेक्षा उपेक्षा किसी भी प्रकार का फीडबैक कोई भी आपको हाईलाइट करने वाले बिंदु लगे आप निश्चित रूप से यहाँ चैट के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बता सकते हैं तो ये बहुत सुंदर अध्याय है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत यहाँ से श्रवण करने के पश्चात हमें सांख्य दर्शन की कहीं भी पंक्ति लिखी होगी तो स्पष्ट हो जाएगी तो हम इसे श्रवण करने का अगले सत्रों में प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वृंद की जय हरे कृष्ण